तो हम कुछ सोचेंगे अभी तक तो नहीं। तो ये वेलकम टू बैक हनी माया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज आप सोचते होंगे कि माया लेट के व्लॉग बना रही है। तो ये देखे हमारा न्यू बेबी आया है, ठीक है। तो बेबी हमारा बड़ा प्यारा है। तो बेबी सीरियस हो गया, वो जब कैमरा ऑन किया ना इतना सीरियस हो गया तो देख रहा है। तो यहाँ पे मेरा मुंडा भी आ गया, ये देखे, ये इसको देख के ना तो बड़ा खुश होता है, कहता ये हमारा बेबी है। हैं, ये तो हमारा बेबी है छोटा सा। तो इतनी प्योरी चाइनीज सी बच्ची है। तो हम लोगों ने ले ली है, अब साथ वालों की और हम लोगों ने ले लिया। हम लोगों ने बोला कि हम लोग इस बच्ची को अब पालेंगे। तो ये फैसला ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। हमें मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे खुद भी बड़ी पसंद आई है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो आप लोगों ने देखी है ना बच्ची, बहुत प्यारी है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कैसी है। और मैं आपको कलर दिखाती हूँ, हम तो ना रात को लेके आया, अक्सर ने इसको लेके दिया है कलर, ठीक है। तो ये देखे, लेके तो अजीब चीज आया, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। देखे मुझे ये नहीं अच्छा लगे, इतने पैसे भी लगा के आया और कलर लिया, इसने सारे के सारे जाया करने हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, चलो दिखाओ जरा। ये एक्रेलिक कलर है। तो इसने ना बोला क्या करना है, इसको कभी उधर लगाएगा कभी उधर, कभी भी इसने ढंग का काम नहीं करना इस बच्चे ने। और ये देखे कैसे बेबे बैठी हुई है। हेलो, इसका नाम क्या है? मैं नाम का हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने काकी को सांभा हुआ रात का, हमें बड़ी प्यारी लगती है। और गोलू सी अभी भी मेरी तरफ देख रही है, और मैं लेटी हुई थी और मेरे साथ आके ना लेट गई है। साइश लेके आई तो बड़े आराम से कह रही थी बातें करो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा। बच्ची बहुत बातें मांगती है, हालांकि बच्ची छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। और जिसने भी देखना ना तो माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, ठीक है। तो अब इसको लटाओ जरा, दिखाऊं फिर पूरी को। ये देखे इसने कपड़े भी बड़े प्यारे पहने हुए हैं। और जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो ये ऊपर देखने लगती है। ये जब बच्चे ऐसे हाथ पांव करते हैं ना, चलाते हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। गोलू ए, अच्छा, आप लोगों को तो पता है पहले हम लोग अयान से प्यार करते थे, अभी भी अयान से प्यार करते हैं, लेकिन अयान हमारे घर में आता नहीं है। तो हमें यही होता है जब किसी का बच्चा हो ना प्यारा सा, तो फिर हमारा दिल करता है कि हम उसको घर में ले और खूब सारा खेले। और मैंने रात को इसके साथ टिकटॉक भी बनाया था, और अभी हमारा नेट नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अभी इसलिए इसको बुलाया, मैंने कहा चलो दो तीन और बनाती हूँ, फिर इंसान को ना याद भी नहीं रहता। तो ये है कि नेट नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। काफी दिन हो गए मैंने व्लॉग भी कोई भी शेयर नहीं किया। तो आपको पता है मैं कभी कभी व्लॉग डालती हूँ, फिर मुझे पता है मेरे व्यूअर्स भी ना जो है ना एक ही बात दोहरा दोहरा के रूटीन ये वो तो थक जाते हैं, इसलिए मैं रोज व्लॉग नहीं डालती। इसलिए मैंने आज काफी दिनों बाद व्लॉग डाला है, और मेरी हालत देखे कैसी आ रही है। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, अभी हनी आता है तो फिर मिलते हैं। अब मैं बेबी को सिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा मुझे बच्चा सूट कर रहा है कि नहीं, हमारे घर में भी आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी बात बहन भाइयों पे लगती है कि आप लोग कमेंट्स करेंगे अच्छे अच्छे, तो हम कुछ सोचेंगे अभी तक तो नहीं। तो ये देखिए इसको मैं अब सिला रही, मैंने कहा चलो सो जाएगी। मुझे बड़ा शौक है कि ऐसे 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 बच्चों को सिलाने का, मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब बच्चे मेरे साथ ऐसे गले लग जाते हैं। देखे मुझे इतनी कचीची आ रही है ना। तो अभी ये भी इसने भी जोर से पकड़ा हुआ है, ये देखिए खुद क्या कर रही है, ये देखिए इधर से देखिए। ये है, तो ये सो रही नहीं, बस इसको वैसे ही सुकून हो रहा है जैसे बच्चे को सुकून नहीं होता। तो वो ये देखिए जी, अब ये दोबारा तैयार हो के आई है, देखिए कितनी अब भी प्यारी लग रही है। इसको खड़ा करो जरा साइश इधर, तो देखिए इतनी प्यारी लग रही है, फिर दोबारा तैयार होके आई है। अभी अभी वो गई थी दोबारा दूध, उसको भूख लगी थी तो अभी फिर आ गई तैयार ओके। तो आप सब बोलना माशाल्लाह, मेरी सोनी कुड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना। ये देखिए नीचे देखे शूज, देखे कितने प्यारे पहने हुए हैं, आए आए उड़ रही है। तो अभी ये जा रही है, तो हमारा ब्लॉग हो जाना है खाली। आज मेरा सारा ब्लॉग इस बच्ची पे था, और ये बच्ची बहुत प्यारी है। सो गाइस हनी आ गई है, तो मैं पालसे का जूस बनाने लगी थी, उधर रखो। और हमारा जग हो गया खराब,
और उसकी वजह से मैंने सात वालों की अच्छा फिक्स करना वो खराब है। मैंने सात वालों की मशीन मंगवाई है तो वो अभी आपको दिखाती है। देखें हमारी तो हो गई है ख़राब, ये सात वालों की मशीन। और ये देखें मैं फालसे का जूस बनाने लगी थी क्योंकि हनी का दिल कर रहा था कि पीने का, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो हमारा जग हो गया था ख़राब, तो अब मैं बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें पता नहीं अब सही बनता भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने जग का तो इंसान को अंदाज़ा होता है ना। तो चलो ठीक है फिर बनाते हैं, अभी तो फिर देखते हैं। गाइस पूरे एक घंटे बाद मैं आपके सामने आई हूँ। उसमें मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया, ठीक है, खाना भी बना लिया है और कपड़े भी वॉश कर लिए। और कपड़े जब मैं वॉश कर रही थी तो इतनी ज़्यादा अंधेरी आई है कि आप मेरे बालों से हिसाब लगा सकते हैं। और मैं भागी नीचे जल्दी जल्दी कपड़े लेके, तो कपड़े देख सकते हैं आप मेरे, ये देखे पीछे पड़े हुए हैं सारे धो के, तो नीचे ले आई हूँ अब मैं। तो अब ये है कि मैं ना बैठ गई, मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो का ना एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर व्लॉग लंबा हो फिर लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते देखने में, तो इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट बना दिया। क्योंकि अब खाना वगैरह भी हो गया, कपड़े भी वॉश हो गए हैं और अब रह गया हमारा दूध, तो वो हम लाएंगे बाद में, अभी तो नहीं। 10 बजे हम लोग जाएंगे इधर से, सारा अंधेरी का सारा काम वगैरह करके फिर घर सारा नीट करके फिर जाएंगे। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, और जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की, और दिल से शुक्रिया। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे टॉपिक के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत सारा प्यार। खुदा हाफिज़।